हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं अभिषेक। तो कब्जा का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक सीख दे देना चाहता हूँ जो मैंने जिंदगी में जल्दी सीख लिया। आप भी सीख जाओ यार, कि जब भी आप नशा करके घर आते हो ना, तो जब आपके घर वाले आपको चप्पल ही चप्पल जब मारते हैं ना, उसका दर्द का असर होश आने पे ही मिलता है। पर ये सब फालतू बात तू इन्हें क्यों बता रहा है? दर्द अभी हो रहा है ना मुझे। हाँ, अच्छा यार, मैं भी कब से सोच रहा था, ये गांजे का बॉटल मुझे कॉफी जैसे क्यों दिख रहा है कब से? भाई तेरा नशा नहीं उतरा है अभी, तुझे वो जो मारा गया है ना, वो दर्द भी महसूस होना बाकी है। तो जरा रुके रहे, ट्रेलर खत्म होते होते तुझे भी दर्द मालूम पड़ेगा। तो कब्जा के ट्रेलर से काफी लोगों को उम्मीदें हैं, तो पहला ट्रेलर देख लेते हैं। सर से ज्यादा उसे काटने वाले हाथों का होता है, और ऐसे हाथों कब्जा। चलेगी फिर दे रहा है यार ये तो। संग्राम नगर के इतिहास में जैसे वीर बहादुर का नाम उल्लेखनीय था, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों का नाम हमेशा रहना चाहिए। साम्राज्य की स्थापना तलवार से नहीं, बल्कि उसे पकड़ने वाले मजबूत हाथों से होती है। अब कोई नहीं बोलेगा भाई कि ये किसी से सिमिलर है। 17 मार्च। ओहो, मजा दे दिया यार। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में जो ट्रेलर में बयान नहीं कर पाए। काफी सारी चीजें हैं जो एक साथ आएगी। फिल्म की स्टोरी बहुत ही हाई लग रही है यार, क्योंकि लेकिन किच्चा बॉस को यार एक ही लुक दिखाया, दो बार दिखाया, एक बार लास्ट वर्दी में दिखाया और स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं करना चाहिए। और 4 दिन पहले एक और न्यूज आया था भाई कि इसमें पुनीत राजकुमार के भाई भी है, शिव राजकुमार, तो उनकी तो फैन फॉलोइंग है यार एकदम हाई, तो इसके चलने के चांसेस तो और ज्यादा हो गए। एक चीज और ऐड करना चाहिए था इस ट्रेलर में कि यार एक मस्त सा BGM पे किसी की एंट्री सीन दिखा दिया रहता था ना, जिससे यार एक इम्पैक्टफुल ब्रेन पे छप जाता था कि यार क्या दिखाया यार, सीधा गूज़बम्प आ गया यार। सिर्फ वो एंट्री सीधा लगता है थिएटर में ही दिखेगा। हाँ, ऐसा फील हो रहा है यार, एक रवि बसरूर का एक धाड़ 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 सुना दिया रहता था ना यार, मजा दे दिया रहता था। अब ट्रेलर देख के काफी लोगों को लगता रहेगा कि ये KGF से काफी सिमिलर है, लेकिन सच मैं बताता हूँ कि हाँ भाई बता, तेरा बाप ही तो प्रोड्यूसर है ना। अरे मतलब कि इस फिल्म में देख लो यार, इसके जो कलर ग्रेडिंग है वो ब्लूइश है और KGF में रेडिश था, और अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो भी काफी सिमिलर है। जैसा ये
इसकी हीरोइन है श्रेया सरन, वो अब कोई राजा महाराजा की बेटी जिसके पीछे अपना हीरो लट्टू हो जाता है जैसा एक केजीएफ में हुआ था, तो काफी काफी चीजें सिमिलर है, इसके लिए लोगों को ऐसा डाउट विट हो रहा है। इस फिल्म में किच्चा सुदीप भी है और वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, वो तो सभी के फेवरेट है यार। लेकिन यार विक्रांत रोना फिल्म देखने के बाद ना मुझे उस दिन पता चला कि सिर दर्द की गोली 20 मिनट बाद असर करती है। ठीक है भाई, तो और भी कुछ असर करेगा जब 4 गाली लोग देंगे ना तुझे भर भर के। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई याद रखो किसने बोला है, नाम लेके देना, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मतलब मैं फैन ही हूँ किच्चा सर का, लेकिन फिल्म वैसी थी, मैं इसलिए बोला क्योंकि यार ये एक जैकपॉट फिल्म हो सकती है, क्योंकि ये ना कन्नड़ा इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर हिट होगी होगी, नॉर्थ साइड का तो पता नहीं लेकिन वहां पर तो जरूर होगी। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि यार KGF 1 KGF 2 कांतारा के बाद अपनी जगह सिर्फ और सिर्फ यही बना सकते है कब्जा, क्योंकि यार उपेंद्र इतने मास्टर आदमी है ना, उन्होंने अपने लाइफ में कोई भी ऐसी अनबन की फिल्में नहीं की, क्योंकि उनका उपेंद्र उपी देख लो यार, वो क्या मास्टर आदमी है, प्लस डायरेक्टर इतने हाई क्लास वाले कि उनको पता है कि किस चीज़ों पे काम करना चाहिए और किस चीज़ों पे टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारे उस साइड पर तो हाइप मची और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यार मैं बिलीव करता हूँ कि ये फिल्म सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिलेगा ही। देखो भाई लोग, अब एक गाना सुनाने का टाइम आ गया, तो मैं छोटा सा एक गाना सुनाता हूँ। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज रंधाया। भाई क्या 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 गा रहे थे, तेरा गाना सुन के ना कान में बाबा सिर हो जाएगा मेरे भाई। बाबा सिर तो कान में ही होता है ना। अरे कान में तो क्या करूं मैं, फिर म्यूजिक क्लास का फीस देना बंद कर दूं? हाँ भाई वो बंद ही कर दे, कम से कम तेरा पैसा तो बचा लिया मैंने, वरना इस मूवी के बारे में मुझे पता होता ना तो मैं इस प्रोड्यूसर का भी पैसा बचा लेता यार। ऐसा लोगों को लग रहा है कि उनको इस फिल्म के बारे में पता होता तो हम मना कर देते कि ये कब्जा फिल्म मत बनाओ, क्योंकि ये केजीएफ का अपडेटेड वर्जन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोग। अब बात सीरियस ये है कि ये फिल्म ना केजीएफ से पहले ही साइन हो गई थी और टाइम हो गया था शूट वेट करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन पड़ गया, जिसके बाद केजीएफ आता है और तहलका मचा देता है। तो कब्जा के मेकर्स को लगता है कि यार अब हमें रुक जाना चाहिए, केजीएफ का जब पूरा हाइप वगैरह सारा चीज चला जाएगा तब हम कब्जा लेके आएंगे। इसलिए आजकल जो वो लोग है केजीएफ से ही हर मास मूवी को कंपेयर कर रहे, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आजादी के टाइम से जब वहां पर ऑयल वेस्ट जब हुआ था वो सारी चीजें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो स्टोरी 100% केजीएफ से सिमिलर बिल्कुल नहीं है, और इस फिल्म से भाई हमें भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, ये कन्नड़ा इंडस्ट्री से है। ओवरऑल ट्रेलर लुक प्रॉमिसिंग इंटरेस्टिंग, अब सिर्फ थिएटर में तहलका मचने की बारी है। और लोग यहाँ पे पुराने एक्सपेक्टेशन छोड़ के अगर नए तरीके से कुछ नया देखने आएंगे ना तो इस मूवी में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा यार। क्योंकि है भाई है चीजें, तो बहुत सारी चीजें जो मजा दे देगा। जैसे हमें ये ट्रेलर पसंद आया वैसे आप लोगों को भी हम पसंद आए रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते कम से कम इसका नहीं पसंद आया, मेरा तो आया होगा, तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ये तो अभी चलना बाकी है। इसका मूवी रिव्यू भी कर देंगे अगर आप इस वीडियो को 1 लाख व्यूज ला देते हो तो। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।